अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 14 सितंबर को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद हसन नगर सड़क पर बाबू खान नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था और इसी बात को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। DCP साउथ जोन ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और इसकी वजह फाइनेंशियल की बात बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे और कई राजे हैं, अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। तकीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। सर इसी भी सर आपसे ले लेते हैं इरफान भाई। ये इन लोगों का सबको आदाब। आज एक क्राइम नंबर 238/22 जो एक मर्डर केस हुआ था 14 सितंबर को या बहादुरपुरा क्रॉस रोड हसन नगर क्रॉस रोड पे, उसका जो अक्यूज है आज उनको कल रात को पकड़ा था और आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये कंप्लेंट का है, ब्रीफ है। महराज बेगम ने कंप्लेंट दिया, उनका पति को उनका बांजी दामाद जो है जाबिर ने मर्डर किया। उसमें ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाएंगे तो एक्चुअली इशू क्या है, उनका बांजी और बांजी का शादी हुआ 2014 पे हुआ था। उसके बाद उनका बांजी दामाद और उनका जो कंप्लेंट का पति है उसका नाम बाबू खान है, उनके दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन उनका बांजी जो जरीना बेगम है उन्हें उनका पति के साथ झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़ा में बोला कि तुम मेरे को हरास कर रहे हो तो मेरा जो अंकल है बाबू खान को इन्फॉर्म करूँगा। तो उस ग्रज पे ये अक्यूज जो है मोहम्मद जाबिर और उनका चार पांच बाकी दोस्त ने मिलकर उनको डिसीज को मार दिया। हसन नगर क्रॉस रोड पे मारा था, रात को 8:30 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें अक्यूज जो पर्सन से मोहम्मद जाबिर अलियास जाबिर जो चंद्रयान गुट्टा का रहने वाला है, रावड़ी शीटर राजेंद्र नगर PS में, राहुल राज अलियास राखी ये नेटिव अमरावती जिले का है महाराष्ट्र स्टेट से, और मोहम्मद उमर खान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला, मोहम्मद उस्मान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद कादर ये बाकी भी पहाड़ी शरीफ के रहने वाले। इन लोग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको देता हूँ। ये अक्यूज A1 है, जाबिर है, ये एक मुर्तुजा पहलवान गैंग बोल के राजेंद्र नगर पे उसके साथ काम करते थे, बट 2016 में इन लोग का थोड़ा फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ गया तो सेपरेट होकर अपना गैंग मेंटेन कर रहा था।
वो चार मर्डर केसेस हैदराबाद और साइबराबाद में चार मर्डर केसेस पे इन्वॉल्व है और ये बाबू खान अक्यूज रॉडी शीटर है, उनका रिलेटिव भी था। और दूसरा ए टू है, राहुल राज अलियास राखी जो है, ये वरुद पुलिस स्टेशन अमरावती का रहने वाले, ये वहाँ पांच क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट, शिवसेना वाइस प्रेसिडेंट जो है योगेश गरात, उसके ऊपर अटैक, कंट्रीमेट पिस्टल से अटैक किया था और वहाँ से भाग के आके यहाँ पे रह रहा था और A1 के गैंग पे रह रहा था। इन लोग को अपना इन्फॉर्मेशन से पकड़ा था, ये इतने दिन जाबिर और बाकी गैंग कोतगुड़म पे इतने दिन शेल्टर पे रह के कल